थोड़ा पीछे हो यार। आज आंदोलन में जीत दर्ज करने के बाद और पूरा जश्न मनाने के बाद दिल्ली सिंघू बॉर्डर से सारे किसान साथी जा चुके हैं। एक जत्था पीछे रह गया, वो आज आएगा। और आज बस्ताड़ा टोल, जो एक ऐतिहासिक टोल और एक इतिहास रचा बस्ताड़ा टोल के आंदोलन ने, पूरे देश विदेश तक आज बस्ताड़ा टोल को लोग जानने लगे हैं। जिस प्रकार से यहाँ संघर्ष हुआ, कैमला में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भी उतरने दिया, यहाँ लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जितने भी आंदोलन बस्ताड़ा टोल ने लड़े, ये हमारे लिए आज
ऐतिहासिक पल भी है। हमने एक साल यहाँ पर मजबूत सत्ता चलाया और वहाँ से जीत दर्ज करके आज हम यहाँ से दोबारा टोल चालू करवा रहे हैं। धरना भी फिलहाल, धरना बिल्कुल अब हमारा किसान भवन में हमारे बुजुर्ग बैठते हैं गरुंडा में और यहाँ से धरना समाप्त कर दिया, आज घोषणा कर दी। रेट बढ़ा दिए? नहीं, देखो वो ये बात कह रहे हैं अभी आए साल हम रिव्यू करके हमारे कुछ ना कुछ 5-10 रुपये रेट बढ़ते हैं, बाकी वो इनका NHI का मसला है। तो आज टोल पर साढ़ेगा चालू करवा दिया गया। देखिए एक साल तक हमने यहाँ संघर्ष किया, बैठे यहाँ, लंगर चले, भंडारे चले हमारे, और ये बड़ा इतिहास में दर्ज हो गया इस टोल का नाम, क्योंकि बड़े बड़े जब CM का कैमला में हमने हेलीकॉप्टर रोक किया तो यहीं से रणनीति बनाकर गए थे, और उसके बाद जब लाठी चार्ज हुआ तो उसमें हमारा एक किसान भाई सुशील काजल रायपुर जिटान से शहीद हुआ, 10 से 15 किसान बड़े गंभीर रूप से घायल हुए। तो संघर्ष की एक जो चिंगारी उठी यहाँ से पूरे देश में फैली और एक संघर्षशील धरती इसको कहेंगे, काफ़ी संघर्ष हमारे साथियों ने यहाँ किया, एक साल भर हमारे यहाँ घर रहा, यहीं त्यौहार मनाए, तो इस टोल का बड़ा नाम पूरे देश में गूंजा और आज हमारी मांगे सभी मान ली है, किसान जीत गया है, तो इसीलिए हमने इसको NHI के सुपुर्द कर दिया। वो अपना टोल लें, जैसे मर्जी चलाएं, तो किसानों का सहयोग करने के लिए टोल कर्मियों का भी धन्यवाद है और सभी किसान जो लगातार यहाँ बैठे रहे उनका भी, और जो हमारे किसान इस आंदोलन में शहीद हुए उनको भी भावभीनी श्रद्धांजलि है। ऐसा है सर, हम तो बहुत खुशी हमें जो हमारी मांगे पूरी हो गई है, तो इतनी खुशी है कि सबसे ज़्यादा जब ये बंद किया था, जब हमने ही बंद किया था आकर सुबह, और आज खुलाया भी हम ही किसानों ने है। आज साल एक साल लगभग 90 दिन हो गए मेरे ख्याल, 90 दिन कुल, हाँ जी 390 दिन हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आज ही शुरू कराया, जब बंद किया था, जब भी हमने ही बंद करवाया था यहाँ पहले दिन आकर, और आज खुला दिया है। हमें भी खुशी है, सरकार ने हमारी मांगे मांग ली है और हम धन्यवाद करते हैं सरकार का। आगे के लिए सरकार कोई ऐसा कदम ना उठावे कि अपना भी नुकसान करे और किसानों का भी नुकसान हो। मेरा नाम शेर जी, इसलिए शुरू करवाया है क्योंकि जो हमारी सरकार से डिमांड थी, जो हमारी मांगे थी वो पूरी हो चुकी हैं, और इसके लिए अब तो देखो इसको बंद करवाने का कोई वो नहीं बनता, इसलिए खुलवा दिया गया है सर। किस तरह देखते हैं एक साल के बाद जीत मिली किसानों को? जीत मिली है, लेकिन सरकार की नाकामी रही कि जो इतना टाइम लगा इसमें, हमारे बहुत सारे जो जवान शहीद हुए हैं वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन सरकार मानी तो देर से मानी। ये धरना लगा हुआ था बस्ताड़ा पे, क्या कहना? ये धरना जी पहले दिन से, जब से 26 नवंबर से उधर से चले थे ना अपना पंजाब से, उसी दिन से यहाँ पे धरना भी चल रहा था और इसके टोल प्लाजा के दोनों तरफ लंगर भी चल रहा था। हम इस लंगर पे जो पानीपत दिल्ली की साइड जाते हैं उस तरफ जो लंगर है, हम वहाँ से एक साल से सेवा कर रहे थे, हम साथी रल के सारे 15-20 लड़के, और वहीं पर मेरा नाम गोल्डी संधू। पहले तो हम किसानों को बधाई देना चाहेंगे कि उनकी जो भी मांगे थी वो पूरी हुई हैं और वो खुश अपने घर जा रहे हैं, और के जो भी किसान यहाँ पे थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, किसी तरीके की कोई असामाजिक गतिविधि नहीं हुई है, और हमारे जो टोल प्लाजा के असेट्स थे या यहाँ पे जो थे किसी को कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो एक शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें निकली हैं। तो सर कुछ क्या कहेंगे, काफ़ी राहत की बात भी होगी, टोल कर्मी भी काफ़ी लंबे समय से घर थे जो कर्मचारी थे, आज ड्यूटी ज्वाइन करेंगे? एक व्यवस्था है, सरकार की एक व्यवस्था है, वो दोबारा से कायम हो रही है, बाकी कंपनियां तो बदलती रहती हैं, टोल का हमारा कोई परमानेंट एक कंपनी नहीं है, तो कभी 3 महीने के लिए, कभी 1 साल के लिए, इस तरीके से देते रहते हैं, तो कंपनियां कोई ऐसा पर एक कोई कंपनी नहीं थी जिसको लॉस हुआ है, बाकी भारत हमने इतना टोल मतलब इतने दिन बंद रहा है, बस यही बात है। रेट वगैरह भी सर? नहीं नहीं, कोई जो रेट का एडजस्टमेंट ईयर टू ईयर बेसिस पे होता है वो रेगुलर कोर्स में होगा, एजिटेशन पर से कोई इंक्रीज नहीं है कि इसकी वजह से कोई इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ फिलहाल रेट सामान्य है। फिलहाल का मतलब जहाँ पे जो रेट पे सालाना जो एडजस्टमेंट होता है वो वैसे ही होगा, इसका कोई वो इम्प्लीकेशन नहीं। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र सिंह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHI।